जय जगन्नाथ। प्रार्थना टीवी रा बादीपाला मंचर समस्त श्रोतृमंडली को आम स्वागत करुछु। ए बादीपाला मंचर आपण माने हेउछन्ति प्रकृत संवर्धक एवं भावसंदीपक। ए भाव को आपण समृद्ध करुछन्ति, रस को समृद्ध करुछन्ति। दर्शक नथिले, श्रोता नथिले, कौनसी काव्य दृश्य बा श्राव्य ताहा केबे हेले रसप्रद हुए नाही। तेणु ए रसग्राही श्रोता मंडल हिसाब से आपण मानक सत धन्यवाद। आम प्रतिथर पर एथर मध्य एक सुंदर प्रसंग चयन करिछु। प्रसंगटी हेला सुरेखार भाग्य। ए सुरेखा किए, तार भाग्य किपरि शुभमय ना अशुभमय ताहा आम ए पाला परिवेषण रु जानिबा। पाला परिवेषण करिबा पई आज जो दुई जन पाला गायिका अछंती सेमान हेले गायिका भारती बेहरा, मार्सा घाई बड़पाल सर नमस्कार। नमस्कार। एवं गायिका उर्मिला सामंतराय कुंभिलो खोर्धा जिल्लारु आछंती सर नमस्कार। नमस्कार। उभय ए प्रसंग को परिपुष्ट करिवे। तबे प्रथम भागर प्रथम पर्याय रे मंचासिना हाइछंती गायिका भारती बेहरा, से ए प्रसंगर अयम आरंभ करिवे। जय जगन्नाथ स्वामी की। सुंदर विश्वकर्ता विश्वव्यापक श्री गुरुदेवंकर प्रिय रथे बोल सर्वे आनंदे कवार हरि हरि बोल श्री श्री शिशु अनंतायंकर प्रिय रथे बोल सर्वे आनंदे कवार हरि हरि बोल ଆଜି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚର ବାଦୀପାଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଜଜ୍ ମହୋଦୟଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ବୋଲ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ ହେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତ ଠାକୁର ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ
मुक्तं करति वा चलं पंगु लंघयते गिरिं जत्कृपा तमं वन्दे परमानन्द माधव। मोर सम्मानस्पद ज्ञानी कदम्बे एवं मोर ए प्रार्थना मंचर समीक्षक मोर आगरे उपस्थित अछंती नमस्य तृतुल्य एवं मोर पद्मनाभ त्रिपाठींकर पदारबिंदर ए दुखिनीर अनंत कोटि प्रणिपात एवं मोर समस्त ए बादीपाला प्रार्थना मंच को उपभोग करूथिबा पवित्र ओडिसार ए उत्कलर समस्त ज्ञानीगुरी गुरुजन माने तथा मोर अनेक साधु संत एवं कलाकार माने समस्त उत्कलिया मां भूणी माने समस्तंकर पाद पद्मरे ये दुखिनीर अनंत कोटि प्रणिपात पवित्र सरोजु मोर सम्मानस्पद पंडित महोदय एवं मोर ये उत्कलर अगणित भक्त समाज आज मोर प्रसंग पवित्र सरजु नदी कूल रे सुंदर तरुणी टीए सुंदर कन्या टीए हस्तर गोटे मृत व्यक्तिर कपाल पात्र को धारण कर आकाश को चाहे नयनर लोतक प्लावित करुच्छी चपलमती बालिकार स्नेहमयी ममतामयी माँ गर्भधारिणी सबुदिन यहधाम परित्याग कर आरपाली चली जाइ तेणु आरपाली को जीवा सत्ते झीटी जत चिंता करुची विगत कथा पूर्व कथा झी भावुची सरज कूल मो माँ जिते बंची दास पु दिने ए कन्यार माँ बंची थे समय रे डाकिले माँ रे ए छियो आगे उच्च पहाड़ देखा जाउछे ये उच्च पहाड़ ऊपर को उठी आसिले ये दुनिया रो सब किछि सौंदर्य को उपलब्ध करी पारि मोर सजन माँ यत्ती की कथा कही आगे आगे से उच्च पहाड़ ऊपर को उठिबा को लागिले माँ पछा पछे किछि समय परे ये झियोटी उपस्थित हले से पहाड़ ऊपर किंतु हटात झियो देखिबा को पाइला केउ ठार गटे तीक्ष्ण सर आसे मार वक्ष को भेद करिछि मा टळी पड़ी छंती से पहाड़ ऊपर झियो सही पारिलानी ना ना काहे के दास पु कोन कुआ जेउ मा आमकु दश मास दस दिन गर्भ रे धारण करी ये दुनिया रा आलोक देई माँ रे दुख कष्ट झियो सहिबो के मारी बोली लोटी गला माँ पाद तले कोन कहिला माँ हां ई कोन हैला कोन के माइला तुम्हारी अवस्था किया से बिरो के को माँ तुम्हें से बिरो की अपराध कलो हां जद्वारा तुम्हारी अवस्था माइला काई के माँ माँ तुम बक्षरे से बिरो सरबिथ कला की कला के से माँ जी खिणकंठ रे कहिले मारे को माँ
ସେ ଜମିର ମୋ ବକ୍ଷିରେ ସରବିଥ କରିଛି। ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯାଇ ତାଇବୀର ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଯଦି ମୋର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ତତେ ଧାରଣ କରି ଇଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି। ଝିଅ ତୁ ଯେବେ ସେ ପୃଥିବୀର ଅଦିତୀୟ ବୀରକୁ ବଧ କରି ତାର ରୁଧିର ତାର ରକ୍ତ ନେଇ ଯଦି ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲେପନ କରିପାରୁ ମୁଁ ପାଇବି ମୁକ୍ତି, ନଚେତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋ ତୃତାତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲିବ। ମା ଏତିକି କଥା କହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ପଡି ରହିଛି ମାର ଶବ ଲୋଟି ଗଲା ମା ପାଦ ତଳେ। ଝିଅ ବନଭୂମିର ମା ମା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ନୟନ ଲୋତକ ଧାର ଧାର ଝରି ଯାଉଛି। ମା ଏ କଣ ହେଲା ମା, ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ନିଜର ଲୋକ କେହି କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମା? ମୁଁ କଣ କରିବି ମା, ଯିବି କୁଆଡେ? ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୋର ସବୁକିଛି ଥିଲ, ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଥିଲ, ହେଲେ ମା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ୟା ପୃଥିବୀର ଅଦିତୀୟ ବୀର ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ? ପାଇବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି, ତାଙ୍କ ରୁଧିର ନେଇ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲେପନ କଲେ ତମେ ପାଇବ ମୁକ୍ତି। ମା କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ମନୁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମନୁ କଲମ କଲେ କଣ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। କୌମାରେ ରକ୍ଷିଣ ପିତା, ଯୌବନେ ରକ୍ଷିଣ ଭର୍ତ୍ତା, ସ୍ତବିରେ ରକ୍ଷିଣ ପୁତ୍ରା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାରଥୀ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସଦା ସର୍ବଦା ଝିଅ ବା ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଅବଳା ଚିନ୍ତା କଲା ଝିଅ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ସଜନ, ମାର ସେଇ ଶବକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ପକାଇ ଝିଅ ଘୁରି ବୁଲିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ବୀର ପୁଙ୍ଗବ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଅବଳା, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଛାୟା ତଳେ। ଦାସ ପୁଅ ଭୁଲ ହେଲା, ଠିକ କଥା କହିଛ, ଥର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ନାରୀର ଆଶ୍ରୟ। ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋର ସଜନ, ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା ଯାହା କହିଛି, ତେଣୁ ସମୟ ଥିଲା ଦାସ ପୁଅ, ଇଏ ନାରୀମାନେ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ପୁରୁଷର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅଛି କଣ? ଏବେ ନାରୀ ଆଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ହବନି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମର ନିମାଳ ଗାଦିର ମହନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ପଦ୍ମ ବନର ମହନ୍ତ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ନାରୀ ଆଗରେ, ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାହିଁ। ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ, ଚାଲିଲେଣି ଶାଶୁ କଥାରେ, ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ହବନି, ତେଣୁ ଝିଅ ଭାବୁଛି କଣ କରିବି କଣ, ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି କେମିତି କେମିତି? ତେଣୁ କଣ କଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ମାତୃକ ପିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ, ଝିଅ ଚାଲିଛି ମନପଥର ମାର ସବକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମା ଜାଣେ ସେ ନା ପୁତ୍ରର ବେଦନା ତାହା ଜାଣିବ ଆଉ ହୋ ତାହା କେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା
ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ମନ କଥା ମା ବୁଝେ ଦାସ ପୁଅ କଣ କୁହ କିଏ ଜାଣେ ବାପା କୋଉଠୁ ଠଉରେଇବ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭଟି କାବ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବେ ମାତା ସ୍ମରାତି ଶରୀର ପୋଷଣ କାନ୍ତା ସ୍ମରାତି ଶରୀର ମାତା ସମନାସ୍ତି ଶରୀର ପୋଷଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ଶରୀର କରିଛି ମା ମା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଯଦି ବିୟୋଗ ହୁଏ ମା ପରଘରେ କୁଟଣା କୁଟି ମୂଲ ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରିବ ନା କଣ ଦାସ ପୁଅ ମନକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି କାଳିଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରି ଅଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ମା ସହିତ ସମାନ ହବ ଭୁଲ 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 କହିଲେ ଆପଣ ନା ସପୁଅ ମା ସହିତ ସମାନ ହବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମୋ ୱାଇଫ ଚୁପ୍ ମାଇ ୱାଇଫ ଅପଦାର୍ଥ ଅପଦାର୍ଥ ମୁଁ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରି ଅଛି ତେଣୁ ମା ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତମ ମନକୁ ଧନରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ମୋର କବି କଣ କହିଲେ କଣ କଲମ କଲେ କଣ କଲେ ଇଏ ପିତାମାତା ଠାରୁ ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ ସରଗରାଇ ଦେ ତେଣୁ ପିତାମାତା ଠାରୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବଡ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ ରଖ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରେ ବୀର ପୁଙ୍ଗ ମାମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣୁଛି ବୀର ନା ସମର୍ଥ ଅଛି ବିନାଶ କରିବ ପୃଥିବୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାହା ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି ବଳ ଅଛି ତେଣୁ ଝିଅ ଆଜି ନିରାଶ ହୋଇ କଣ କରିଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏ ପବିତ୍ର ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି ଇଏ ସରଜ ଗର୍ଭରେ ଆଜି ସଜନ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାର ସେଇ ଶବ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ରକ୍ତ ମାଂସ ଝଡି ପରେ ଶେଷରେ ଧରିଛି ମାର ଏ କପାଳ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ମସ୍ତକର ଖପୁରୀ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ଝିଅ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପବିତ୍ର ସରଜ ନଦୀ କୂଳ କାନ୍ଦୁଛି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି କାନ୍ଦୁଛି ଝିଅ କିଏ ଅଛି ମୋର ସା ମାଲ ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନି ତୋ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ଇଏ ଲୋଡ଼ା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏ ଦୁନିଆ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ସ୍ଥିର କରିଛି ଝିଅ ଏଇ ସରଜ ଗର୍ଭରେ ମାର କପାଳ ପାତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିବ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବାଦୀପାଲାର ନିୟମ କଣ ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟିକାକୁ ବା ଗାୟକକୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାୟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବାଦ ଚାଲିଛି ବାଦ କିଛି ଦବା 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 ନବା ଆଉ କଣ ଦବା କଣ ଦବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦବ ସେ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝିଅ ଛାଡ଼ବନି ଛାଡ଼ବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ସହିତ ଅନେକ ଥର ମୋର ବାଦୀ ମଞ୍ଚରେ ବାଦ ହୋଇଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏ ବାଦୀପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ମାର କପାଳ ପାତ୍ରକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ପବିତ୍ର ସରଜ କୂଳରେ ବସି ରହିଛି ସେ ଝିଅ କିଏ ଘନ କାଳିଆ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୋ ଚକର ବାଦୀପାଲା ଏମିତି ଏମିତି ଗାଇବ ଘନ କାଳିଆ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୋ ଚକର ବାଦୀପାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁରେଖାର ଭାଗ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ଗାୟିକା ଭାରତୀ ବେହେରା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି
जे से जो झियटी ये कहार झियो एवं से काहे की निजर मार मस्तक को खपुरी को धरी से किए नव प्रतिशोध कहार सहाय्य रे से मार प्रतिशोध नव मा को जे मारिछि ता विरुद्ध रे से वर्तमान स्वर उत्तोलन करिछि प्रतिहिंसा एवं प्रतिशोधर बन्नी जळुछि सरजुरे आत्मझास देबा पई प्रस्तुत हेउछि तबे एही दृश्य पटरे कोन घटिछि चमत्कारिता ताहा आमे द्वितीय पर्याय रे जानिबा द्वितीय पर्याय रे पाला गायन करिवे गायिका उर्मिला सामंतराय जगन्नाथ स्वामी के बादीपाला रा मंच प्रथम पर्याय रे भौणी मोर आसिले विषयवस्तु टी आरंभ करिसंती आउ ता मध्य रे मते प्रश्न करि जाइसंती सरोजु नदी तट रे जेउ कन्या टे बुलुथिला से किए से से हेउछे तारो किर कन्या सुरेखा मां मरि जाई छंते मां को जण अद्वितीय वीर विनाश करि छंते तणु मां कर प्रतिशोध नेवा पई तारो किर कन्या सुरेखा मां को प्रतिशोध निया रे जळी मां कर कपाल पात्र को धरी बुलुछि चतुर्दिग ये से वीर ये से अद्वितीय वीर मो मां को मारि छंते मु प्रतिशोध नबा पर्यंत न नले मोर आत्मा शांति हेबो नाही आज्ञा बुलुछि जहां को ये कहुछि केही राजी हेउ नाहंती नाही नाही तार दुख सुनिबा पई केही नाहंती बरण्य महोदय एही समय आज्ञा घटनाटा घटिला कोनो बसिछि झोटी कांदुछि कांदुछि सुरेखा कांदुछि कांदुछि एही समय रे अवंती कटकर राजा हेउछंति कीर्तिचंद्र कीर्तिचंद्र राजा सिकरी मृगोया पई पहुंचि जाइछंति सुंदर सुठम राजा अमरंक संगे समर करिबा समर थपण जारे संगे समर करिवा समरथपण राजारो नमरंती शिशु तरुण तादेश जमर एडी की डरो राजा दांबिक राजा
जो राजांकु जम डरे जम भय करी जो राजांक राज्यर काल मृत्यु कराए नाही से दाम्भिक राजा बलिष्ठ राजा हेउछंती अवंती कटकर राजा कीर्तिचंद्र महाकवि कालिदास लेखि नहंते राजा देखिबाकु केमिति बृढरस्क वृषस्कंध साल प्रंसु महाभुज कर्मक्षमं देह खात्र धर्म इवार्षित हो राजा उच्चंति ब्रूढ़ रस्क वाले प्रसार छते वृषभ भली कांध मजबूत कांध साल प्रंसु महाभुज साळुआ गच्छ भली बलिष्ठ भुजोदय सुंदर राजा पहुंची जाई छंति मृगया विनोदरे मृगया पई आसीथिले अवंती कटकर राजा कीर्तिचंद्र झीओटी की देखिले झीओटी राजा को देखिला रे झीओटी को देखी अपरूपा कन्या को देखी राजा विचार कले कले सुंदरी कन्या को मोर इच्छा हौचे मोर अंक साइनी करबा पाई ए कि सुंदरी ये कन्या ये निर्माणी लावळे रसनिधि को रसनिधि को रसनिधि को जत्ते बेले विधाता निर्माण कला अरे केते कल्प करी केते कष्ट करी निर्माण करी छि रे अरे मु शिकार करी आसीथिले हे सुंदरी अपरूपा कन्या को देखि मोर इच्छा होछि मोर अंक साइनी करबा पा जाय के राजा कीर्तिचंद्र राजा माने होछंती विलास प्रिय तेनु नारी को देखि राजांकर आग्रह आसिला अंक साइनी करबा पाई प्रेम भिक्षा कले हे कहले रे तमे किए से तुमर परिचय कौन आम कहीं बसीच हस हस मुह ना तुम आच्छा कर अंक साइन करने अच्छा ये आज्ञा घटना टी है कौन ये झीओटी प्रतिशोध निरे जलुचे ये झीओटी कहला हे राजा आपण जदि मत अंक साइन करने को चाहते सत्य करंतु मो कथा जदि आपण आज रखिबे मु ताले आपणकर स्त्री बोलैबे राजा कहले ये पुणी गोटे कथा हौ हौ सत्य कलि मु मागिबु तु जा वर्तमान सुरेखा कन्या कहला हे राजन आपण जदि मते एते आग्रही आपणकर अंक साइन करबा पाई मोर गोटाए कथा रक्षा करि परिबे वर्तमान मु प्रतिशोध नियारे जळुछि देखुछंति मो हस्तरे कपाल पात्र ए हुछि मोर मार मोर शरीर ए हुछि मो मार कपाल पात्र जो माँ मोर चली जाइछि ए मार प्रतिशोध नियारे मु जळुछि ए मार ए मा को जे मारिछंति दो अदित्य वीर से अदित्य वीर को जे मारी पारिबो से मते विवाह करिबो रे अदित्य वीर किए से राजा कहिले कल अच्छा हो तम तो माँ को जो वीर मारिछंति ताकु जे मारिबो से तुमको विवाह करिबे हौ हला मु तम सत्य कथार राजी मु तम कथार राजी जे से वीर जनक किए से आज्ञा कहिला इठे सुरेखा कला से हेउछंते ए संसार रो चालक ए संसार रो पालक मर्यादावान पुरुषोत्तम दशरथंकर पुत्र रामचंद्र चमके पड़िले राजा कहला रे रे नारी बोर अरे कि कथा तमें कहुच
से प्रभु को मारिबा कथा मु तो चिंता ही करिनि अरे प्रभु नाम स्मरण करने को मु सब बेले इच्छा प्रकाश करुछि अरे भोलिया पुरुष सौध ब्रह्मांडर कर्ता नायक श्री मर्यादावान पुरुषोत्तम राम तांकु मारिबा कथा मु भाबिबि अरे पागल हेलो ना कोनो मोर विवाह बरं दरकार नहीं प्रभु को मारी पारिबि नहीं रे राजा कहिले आज्ञा गोटाए पद मन पड़ी जाए तुलसीदास रामचरित मानस श्री हरे नाम गुण चरित सुहाए जन्म पाप खंडन जाए राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जो मर्यादावान पुरुषोत्तमंकर नाम को स्मरण कले जन्म जन्मांतर पाप खंडन हो जाए प्रभु को मु मारी पारि ना मोर तुम सहित विवाह दरकार ना कि तुमको पाइबा मोर इच्छा ना मु प्रभु को मारी पारि ना कहीकि आज्ञा चलीगला जदि कहीकि चलीगला निराश हो गले कन्या कौन करे कौन करे जी प्रभु को नाम शुणुंट से पछुक घुंची जाऊंट एबे मु कोन करबी कोन करबी कांदुची झियोटी मार कपाळा पात्र धरि छ सेमति कांदुची मो मांकर कथा बदा जि मु रखी पारिबी नाही बरण्य महोदय ठीक एही समय रे झियोटी कांदुची हां घटनाटी हेला कोन ला कोन ए काळे बारे द नारद महामुनिंकर आगमन झियोटीर सम्मुखरे देवजति नारद बल्लह कि वीणा को बादन करी आज्ञा प्रभु को नाम को गाई गाई आसिकी पहुंची जाउछंती नारायण 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 केमिति गाइले अरे मन राम नाम गाई जा राम नाम गाई जा भजिले मुक्त हेबु भद्रंगर होइबु हां भजिले मुक्त हेबु भद्रंगर होइबु भजिले मुक्त हेबु भद्रंगर होइबु भजिले मुक्त हेबु भद्रंगर होइबु होला मय कुंठ दरजा अरे मन राम नाम गाई जा कले मुक्त होई जिबु बस वैकुंठ धाम को चली जिबु हां राम 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 भजिबु संग काक राम 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 जपिबु संग काक अजमर होइण रहिला काळ जाक अजमर होइण रहिला काळ जाक अंजनार कुमार हेला से पवित्र
पवित्र राम नाम को जप करे नारद महामुनि पहुंची ओले हे मोर वरण्य श्रोता मंडली महामुनि जते बेले पहुंची गले एठी झियोटी कहिला प्रणिपात कला मुनिंकर पाद तळे एठी आशीर्वाद कल्याण कले खले रे मा तू कांदुछु ना हो मु कोन करबी केही मते सहाय हेउ नाहंती ना ना हे जीउ जिए जो राजा प्रभु कर नाम सुनु छन सब पश्चिम पछ घंचाई चली जाउ चली जाउ छन मते सहाय्य करबो के देवश्री कहिले कहिले कहला रे मा समाधान एठी नहि समाधान कोठी जानु केउठी ओ तते बते दउ छि रे मा अकर्म कर्मदायक हेउछंती देव देव महादेव तू एथि एमिति जेते कंदा बाबा करिवु तो दुख जीवनी नाही नाही जेते वर्ष चली गले तोर शत्रु को तू विनाश करि पारिबुनी तू गोटे काम कर अकर्म कर्मदायक देव देव महादेव कर पाद तळे 12 वर्ष शरणापन्न रह 12 वर्ष भजन कर तपस्या कर शिव को पाइबा पाई तपस्या कर जदी तुम डाकरे तुम तपस्या रे शिव संतुष्ट होई किछि बर देबे ताहाले सेई अनुसार तुम काम करबो तुम मां को तुम मुक्ति दबो हे मोर वरण्य श्रोता मंडली ताहा लागे सुरक्षा कोला कोण महामुनि ए कथा को बतई दे ए वार्ता को दे सेठारु चली गले चली गले झियोटी मांकर कपाल पात्र धरे अकर्म जेहेतु कर्म दियंती अकर्म को कर्म दियंती बोली अकर्म कर्मदायक शिव शिव शिवम को भजन करबा पाई शिवम को तपस्या करबा पाई आज्ञा तपस्या रे मग्न बा शिवम को डाकुछि शिवम को डाकिबा आपण माने जे केही जदि मंदिर को जाउछंती मंदिर रो घंटी रे हात लगेले कहउछंती ओम नमः शिवाय ओ बाबा माने केते पद भाई ओम नमः शिवाय ये छोटा मंत्र सोडाक्षर मंत्र द्वारा सुरेखा टिके शिवम को डाकिबो ना ये बात पल्ला कथा मु जेमिति अपा गाउ छे सेमिति तमे एठे आसिले यार परपद को कहिबो निश्चित जे तमरो छुकडा जे होउनी ओम नमः शिवाय तो छुकडा जेमिति होउची तमे टिके कमी कमी जाउची ओहो तमे टिके खोरदा छुंक देखे दियो अच्छा अच्छा खोरदा खोरदा रे ओटा छुंक अछि पाला संगरे जिल्ला कुछे माने सम्मान करबा दरकार छुंक देखेले तमे टिके खोरदा छुंक देखे दियो पाइको छुंक हो 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 अरे से होउछंती बडो भौणी मोर मा समाने चल कह कह साधारण सम्मान रक्षा कर हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति जोगिनः कामदमुखदं शैव ओंकाराय नमः नमः नकात शैव सम्मुति नच जाति परम भव नाना शक्ति धर्म देव ओंकाराय नमः नमः शिव मो महादेव महात्पन महाजोगी महेश्वर महापाप हरम देव मकाराय नमः नमः मंगला मंगला शिव शी शिव सबकर संतं लोकान कीर्ति वर्धन शिव मेक परम ब्रह्म शिकाराय नमः नमः शिव बा वाहन वृषभं जस्य वासुकी कंठभूषण बामे शक्ति धर्म देव बाकाराय नमः नमः शिवा गला यो यत्र यत्र स्थित देव जोग ध्याय महेश्वर ओ गुरु सर्वभूताना कथा आज्ञा ए मुंडु से मुंडु चली छी भौले मु गाइली जेमिति सेमिति माने तमे गाइबो मु आशा करू छी जे प्रश्न 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 तमे प्रश्न रो समाधान मु करि सरि छे तमकु मु प्रश्न देली एई तो रामायण कथा एई भितर मु कहिबे जेते बेले प्रतिष्ठा ये बंध निर्माण करा जाई थिला
रावण सहित युद्ध करिया पई लंका को जीवा पई सेतु बंध ता ना सेतु काहे की रहिला तार भीतर रो कथा कोन काहे की बंध अन्य किछि रहिलानी सेतु बंध बोली रहिला आ कोन ना नथिला हां यार समाधान ते आसीले करबो ता परे देखिबा आज्ञा घटना टी हेला कोन ना शिवं को डाकुछि बस ये तो संस्कृत कथा गला ओडिया घर रो कथा पाला होछि ओडिया परंपरा रो कथा विदग्ध कला बस ओडिया पद गोटाई गाई दबा सुरेखा डाकुछि हे पंचानन तांडव नृत्य कारी हे पंचानन तांडव नृत्य कारी भंग पाने वे मोर भुजंग माला धर भंग पाने वे मोर भुजंग माला धर पार्वती जा महादेवंकु तपस्या करूछि डाकुछि आज्ञा सुरेखा डाकुछि शिवंकु आसन टळमळ हला कपिला कपिला आशुतोष शिवंकर अन्य नाम काहि कि आशुतोष ना अल्पे केसे संतुष्ट होई जांती छोटे डाकुछि धार धार लोतक छुटेई करी डाकुछि जोटा टपी गळ जळ प्रभा हप भीतर तळे गळे बलम बलम बीत भुजंग संगमालिका पंचान कुछ ए समय रे घटना टी हेला कोन कोन आज्ञा देव देव शिवंकर आसन टळुछि प्रकंपित हेउछि केस जणे मते एते आरत कंठ रे डाकुछंती तार दुख कोन आसु त सीधा अल्प रे सो तो सोही जानती ना हे तेनु शिवंक आसन टळिला शिव आविर्भाव हेले कोन्या बोले कोन मागुछु तु मागे तोर दुख कोन दुख कोन भौणी भौणी कि मोर प्रश्न थिला जे सेतु सेतु यार नाटी काहे सेतु बंद होला हला आउ किछि रहिला नाही सेतु काहे के हला सेतु काहे के हला बस भौणी तमे पल्ला गाउछो मोरी भले एमिति टिके दांभी करे गाइबो हे गेंदुरे गेंदुरे प्रश्न नाही ओलिया तोलिया करबो नी लाइन क्लियर करके चलिबो हला आ कहूछि बोली खरा भाबिबो नी नाही रहिला एठो लाइन क्लियर करबो शिव तपस्या रे खुशी सुरेखा निकट रे पहुंची जाई छंती कहि छंती मा तोर दुख कोन एठु समस्या को आगु को बढ़े करि नबो घन कालिया बर जदुलिया बन मारिया घन कालिया बादीपाला प्रसंग सुरेखार भाग्य एहार प्रथम भागरे पाला परिवेशन कले गायिका भारती बेहरा एवं गायिका उर्मिला सामंतराय आपण मैंने शुणुले सुरेखा ताड़कार झियो माँ को जी मारी मारी उपाय करी किपरी प्रतिशोध नेबी प्रतिहिंसार बन्हीरे जलुची सरजू तटरे आत्मविसर्जन करने प्रस्तुत हुआ बेले राजा कीर्तिसेन देखा देखते किंतु से निजर अपारगता को प्रकाश कर शेषे सुरेखा भगवान शंकर उपासना कर शिवंकर मंत्र जप कर देवर्षि नारद उपदेश भगवान आशुतोष शंकर संतुष्ट हेले सुरेखा कौन भाग्य बदली जीव तांकर उद्देश्य सफल हबो आमे यहाँ देखिबा द्वितीय भाग प्रथम भाग को एट समाप्ति करुचु एवं अनुरोध आपण द्वितीय भाग देखिबा को भूलिबे नाही आज पाई विदाय दियंतु जय जगन्नाथ। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।